नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस वक्त आप देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस। बात करते हैं करनाल की। करनाल के मेरठ रोड पर पिछले 6 दिनों से लापता रवि की लाश रोहतक नहर में मिलने से खफा लोगों ने जाम लगाकर रोष व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि पिछले काफी दिनों से रवि की गुमशुदगी की तलाश के बारे में पुलिस को सूचित किया गया था, परंतु रवि की लाश मिलने से परिजनों में दुख व्याप्त है और रो रो कर बुरा हाल है। बताया जा रहा है कि रवि केबल का कार्य करता था और पैसों के लेन देन को लेकर एक पक्ष से वाद विवाद चल रहा था। परिजनों ने पुलिस पर कार्रवाई ना करने का आरोप भी लगाया। मृतक रवि की अभी कुछ दिन पहले ही शादी हुई थी और उसको 6 महीने की एक बच्ची भी है। इस दुख के माहौल में घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं पुलिस ने मामले को संज्ञान में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। देखिए किस तरह से घर में माहौल गमगीन है। माता जी किसी पे शक है क्या? कोई क्या झगड़ा था किसी के साथ? जी हाँ जी, डॉक्टर के साथ झगड़ा। किस तरह का झगड़ा? पैसे के लेन देन में था जी। अच्छा, पैसे के लेन देन का झगड़ा था। हाँ जी। 9 तारीख को ये कह के गया था कि मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ। हाँ जी, यहाँ तो क्या करने को आया था जी, मैं 10 मिनट में आ गया। तो पता कैसे लगा कि वहाँ पे डेड बॉडी कैसे मिली है? डेड बॉडी छानबीन कर रहे थे। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।